भाईजान के घर पर हुए हमले में बड़ा पर्दाफाश। दहशत फैलाना था शूटरों का मकसद। हमले से कुछ घंटे पहले शूटरों को किसने दी पिस्तौल? सलमान खान के घर पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हर रोज नया पर्दाफाश कर रही है। पकड़े गए शूटरों से पूछताछ में अब एक नया पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर पर हुआ हमला किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए किया गया था, और इस हमले की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने लिखी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर लगातार अनमोल के संपर्क में थे। अनमोल बिश्नोई इंटरनेट कॉल के जरिए शूटरों को लगातार निर्देश दे रहा था। यहां तक कि अनमोल के इशारे पर ही शूटरों ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को गुजरात के सूरत में एक नदी में ठिकाने लगाया था। वहीं दावा किया जा रहा है कि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल शूटरों को फायरिंग से कुछ घंटे पहले ही सप्लाई की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम उस शख्स की तलाश में जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े इन दोनों शूटरों ने फायरिंग करने और वहां से फरार होने की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद शूटरों ने कई छोटी गलतियां कर दी जिनका पीछा करते हुए मुंबई पुलिस की टीम शूटरों के गिरेवान तक पहुंच गई।